So hey guys, welcome to my YouTube channel. It's Scientech back to again new video. So आज की वीडियो टाइम हुआ है अभी साढ़े छः बज चुके हैं और फिलहाल अभी फ्रेश हुआ के बाद अभी जाना है बिरयानी बनाने, खाना बनाना है बिरयानी बनाना भाई, बिरयानी बनाने के बाद। और सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ ये है कि गुड न्यूज़ में क्या बोलते हैं, मैं जाऊँगा कल मदीने। आज मैं अपना सामान वामान पैकिंग करूँगा, सामान वामान पैक करने के बाद रेडी रहूँगा, फिर जाऊँगा मैं मदीने। मदीने मुझे जो है एक गुड न्यूज़ ये है कि जो मैं बताने वाला हूँ, शायद काफ़ी लोगों ने दुआ भी की होगी। मैंने कल परसों वीडियो डाला था, पिछले वाली वीडियो में डाला था, बोला था कि भाई दुआ करना, किसने दुआ की होगी, शायद उसकी दुआ लगी है। परसों मदीने जाना है, काम की रिक्वायरमेंट आई है। अपना जो है हमारे जो भाई है ना, हमारे भाई क्या बोल रहा मैं, हमारे जो भाई है, हमारी बहन के जो हस्बैंड है, उन्होंने बात की है मदीने में, और मदीने में जाना है भाई साहब। और बस अल्लाह बेहतर कराए, और वहाँ पर जा कर के मस्जिद नबी की ज़ारत कराएंगे इंशाल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट आई काम की, अब मैं काम करने उधर जाऊँगा। मेरी जर्नी इतनी बुरी गुज़र रही थी, अब क्या पता अल्लाह की तरफ से आया है फरमान, अब उधर जाएंगे। और भाई साहब अभी जाना है खाना बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगा, अपना सामान वामान पैक करके रखूँगा, रेडी करके रखूँगा, फिर मैं निकलूँगा इधर से। और यहाँ से रियाद से जो है 1100 किलोमीटर है, जिसमें से 10-11 घंटे लग जाने हैं, 10-11 घंटे पूरी रात सफ़र करके सुबह मदीना। मदीना जाने के बाद फिर वहाँ का ब्लॉग डालेंगे, उसका इंतज़ार ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। और एक मिनट कोई आया है, कोई नहीं, वो बाहर कोई पूछने आया था। और फ़िलहाल मैं बैठा हूँ रूम में बैठा हूँ, बस पता है पूरी रात ऐसा हो जाती है, सोचते सोचते दिन गुजर जाता है, सोते सोते समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। अब जो है अब थोड़ा सुकून है, मेरे उधर से फ़ोन आया है, काम करने के लिए जाना है मदीना, और भाई गए हैं बाहर सामान लेने। इतने में सोचा एक वीडियो ही बना लेता हूँ, वो बाहर सामान लेने गए हैं, और अभी जाना है। सबसे पहले काटना है प्याज, फिर टमाटर काटना, फिर मिर्च काटना, फिर पेस्ट रेडी करना, फिर मसाला बनाना है, फिर चिकन रेडी करना है, फिर राइस बनाना है। भाई खाना बनाना भी सीखना पड़ता है, बाहर रहना है, कपड़े धोना भी सीखना पड़ता है, और ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, सब काम यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे तुम लोगों से आता हो या नहीं आता हो, सब करना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पर जो है ना रहना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, कि तुम्हारे अंदर भी है वो चीज़ें, कि तुम इधर काम कर रहे हो, तुम रह सकते हो, ठीक है। इस चीज़ से ये पता चलता है इंसान ने बाहर आता है। अभी मेरे जानकार में एक लड़का था मेरे साथ, मतलब सऊदी में रहा है वो, लास्ट टाइम रहा है मेरे साथ सऊदी में, जब मैं पहले आया था ना वो तभी रहा है। तो उस बंदे को कुछ नहीं आता था, कुछ भी प्याज मिर्ची टमाटर कुछ काटना क्या, वो मतलब जैसे सीखा था वो काट लेता, कभी उंगली काट लेता था, कभी नाखून काट लेता था। फिर उसने सब कुछ सीखा, सीखने के बाद अब उसे ये चीज़, जब सेकंड टाइम सऊदी में आया तो उसको तब रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने सही किया कि मैं सीख लिया, नहीं सीखता तो प्रॉब्लम होता मुझे। उसका वो सीखा हुआ इस टाइम काम आ रहा है। तो इसलिए हमें जो है ना अभी के बारे में तो सोचना है, आगे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्यों उसमें मेरा तो फ़ायदा नहीं होगा, आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो आपका फ़ायदा होगा, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा तो मेरा फ़ायदा होगा। और सबसे पहले जो चीज़ है, इंसान को जब भी सोचे, पहले जो पहला नंबर आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारी अच्छाई बुराई में हमेशा खड़े रहेंगे वो है तुम्हारे माँ बाप, पेरेंट्स, ओके। उनके उन मेरी तो ये मानना है कि उनसे बिना पूछे कोई काम मत करना, उनसे बिना पूछे काम करोगे ना तो पछताओगे सच्ची में।
उनसे बिना पूछे कभी उनकी नाफरमानी मत करना। अगर उनकी नाफरमानी करोगे तो ज़िंदगी में ये सोचोगे मैंने क्या गुनाह किया है जो मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ। शायद हमने भी कोई नाफरमानी अपने माँ बाप की है जो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यही तो वजह है इंसान जो है, हम लोग घर पे रहते हैं ना, कपड़े उतारे फेंक दिए, शूज उतारे उधर फेंक दिए, सॉक्स उतारे उधर फेंक दिए, हम लोग केयर नहीं करते। हम लोग वो शूज़ उतारे एक जगह रखनी चाहिए, फिर आगे फेंक देते हैं, मम्मी तो धोएंगी कपड़े, और बाहर खेल रहे हैं कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे कपड़े गंदे हो गए, घर वाले धोएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आने के बाद जो तुमने क्या बोलते हैं, जैसे तुमने कभी चम्मच को भी साफ नहीं किया होगा ना, तो तुम वो भी धोना पड़ेगा जरा करके। यहाँ जब इंसान के साथ जो रूममेट होते हैं ना, मान लो एक रूम में चार जने, ठीक है, तो चार हो तो वो उनमें वही बाप हो गए, वही माँ हो गए, वही बहन हो गई, वही वही सब कुछ, एवरीथिंग इज योर। तो भाई साहब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मेरा तो सेकंड टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम रहा हूँ, मैं लॉकडाउन में जा चुका था, लॉकडाउन में मेरा ज़्यादा सिस्टम बिगाड़ गया था। मैं जब से सऊदी से गया हूँ ना और अभी तक मैंने इतने बुरे अपने लाइफ में दिन नहीं देखे जितने बुरे मैं अपने लाइफ में दिन देख रहा हूँ। यही सोचता था मैं, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अब देखो उधर से रिक्वायरमेंट आई है मदीने से, इंशाल्लाह मदीने जाऊँगा और सभी लोगों के लिए दुआ करूँगा, मस्जिद नबी की ज़्यारत ज़रूर कराऊँगा, उधर जाऊँगा। और फ़िलहाल तो अभी खाना बनाने जाना है, खाना बनाना है, और खाना बनाने के बाद फिर वही, खाना बनाने के बाद खाना है, फिर सो जाना है। सोना कहाँ है, सोना किसने है, सोना, नींद ही नहीं आती, सोएगा कौन, नींद ही नहीं आती ब्रो। और मुझे अच्छा लगा है, मैंने वीडियो डाली, मेरे सब्सक्राइबर जो मतलब प्यार दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, वो कोई लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ अपने आप को आप भी इम्प्रूव करो, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करो कि आप मुझे मतलब पसंद आ रही वीडियो, तो मुझे कमेंट्स में ये तो बताएं कम से कम कि आपकी वीडियो में ये चीज़ की कमी है, मुझे बताएं वो चीज़ मैं कमी पूरी करूँगा। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसे अच्छी बताएं, जिसे जो बुरी लग रही है उसे बुरी बताएं, ये नहीं कहें कि हाँ अच्छी है, जो चीज़ गलत है उस चीज़ का मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। जब पैसा होता है ना पैसा, तो जो आपको जानता भी नहीं होगा ना, जिसने बस एक ही बार मिला होगा, या तो आप कुछ बन गए हो तो ऐसे करेगा जैसे आपको जाने कब से जानता है, और जो आपको जानता है साथ में रहता है, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा ना, तो आपसे आपके सामने से रास्ता काट जाएगा, मतलब आप आ रहे हो तो आपके सामने से निकल जाएगा। आपको एहसास उस दिन होगा कि मैं अपनी लाइफ में इसलिए ही परेशान हूँ, मैं कभी सब कुछ करना अपनी लाइफ में, ना बोलते बोलते ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरा भी माइंड डिवाइड हो जाता है। बस जो भी है अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा तुम्हारी अपनी लाइफ में अहमियत तुम्हारे माँ बाप हैं, उनसे आगे नहीं जाना, उनसे आगे जाओगे तो पछताओगे। बस अभी ये 2023 की स्टार्टिंग से जितने भी मतलब सऊदी में वर्कर्स आए हैं, जितने भी किसी भी वो व्हाट काइंड आई डोंट नो, बस जितने भी तरीके के वर्कर आए हैं, सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। मेरे मोहल्ले के लड़के काफ़ी जा चुके हैं इधर से, मेरे जानकार बहुत सारे जा चुके हैं इधर से सऊदी से, मैं भी उन्हीं की सिचुएशन जैसा हूँ, जैसे उनकी सिचुएशन है ना ऐसी मेरी सिचुएशन है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। मैंने ये सोच लिया है कि मैं इधर से कुछ करके ही जाऊँगा, वरना जो मेरे हेटर्स हैं ना, जो मेरे को बातें सुनाते हैं, मतलब सामने तो बोलते नहीं हैं, पीछे सुनने में आता है, तो दुख तो होता है कि यार ये हमारे बारे में क्या क्या बोल रहा है, लेकिन मैं इतना माइंड नहीं करता, इधर सुनता हूँ उधर को निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके बोलने से ही मुझे फ़र्क पड़ता है, फ़र्क जब पड़ेगा तो मैं सोचूंगा यार ये मुझे बोल रहे हैं शायद
मैं उस चीज से जो है ना एक्सपायर होऊंगा। एक्सपायर होने के बाद मैं उस अपनी लाइफ में इम्प्रूव करूंगा अपने आप को, मैं क्या हूँ, मैं काम कर रहा हूँ कि मतलब जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, तो उन्हीं चीज वही वही लोग मुझे सजेशन देते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, हालांकि उनका तरीका गलत है, मतलब नीचा दिखा के ये मजाक बना करके। तो उन उस चीज़ से इंसान इंस्पायर होता है अगर समझ में आ गए तो, वरना बेवकूफ़ होगा तो हंसता रहेगा, अपनी मजाक बनवाता रहेगा। और कभी भी मेरी जो आदत है, मेरी आदत ये है कि मैं कोई भी इंसान हूँ मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, कोई भी इंसान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वट एवर, लेकिन कभी जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना। भरोसा करोगे ना तो अरे भरोसा जब जिस लोग मतलब जिस आदमी सबसे ज़्यादा भरोसा करोगे आप, जो सबसे ज़्यादा जिस पर आप भरोसा करोगे, ठीक है, तो वो ही आपसे धोखा आपको धोखा देगा, और धोखा ऐसा देगा क्यों, ऐसे वक्त पे धोखा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या हो गया ये। मैंने तो सच बताऊं अपनी लाइफ में अब ये सब चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी, ना मैं किसी से ज़्यादा अपने अपने किसी से बात करता हूँ, और ना मुझे अब शौक रहा मुझे किसी से बात करने का, ठीक है, सब मतलब की होती है, जितनी भी दोस्ती यारी होती है ना सब मतलब की होती है, और मतलब की इसलिए होती है क्योंकि इंसान को जब वक्त होता है ना वही बताता है कि कौन अपना है, जो कहता है कि साथ चलेंगे यार दोस्त, कौन अपना है कौन पराया है। अरे मेरा मेरा जो मोटिव था, मेरा मोटिव ये है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, सबके सामने शेयर करूँ, मेरा मेन मोटिव ये है बस, और कुछ नहीं, और कुछ जाएंगे अभी खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद फिर जो है फिर खाना बनाने के बाद खाना खाएंगे, फिर तो है मुझे सामान पैक करना है अपना, जितना भी सामान है मेरा सब पैक करके मुझे जाना है मदीना, मदीने के लिए जाना है, फिर मुझे बस का भी टिकट बुक करना है, टिकट बुक करने के बाद अब देखते हैं, रास्ते में 9.5 घंटे का रास्ता है, अगर मेरा मतलब मेरे फ़ोन में चार्जिंग रहे, वैसे तो मैं डालूंगा व्लॉग, रास्ते का व्लॉग डालूंगा, मतलब जाने का दिखाऊं, मतलब जाते हुए सब कुछ रिकॉर्ड, और मस्जिद नबी की ज़्यारत ज़रूर कराऊंगा, उधर जाऊंगा तो मैं, ठीक है, और बस यहाँ से निकल जाऊँगा मैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग आपको जो मदीने का मिलेगा, मस्जिद नबी का व्लॉग मिलेगा, ठीक है, और क्या बोल रहा था, बस मेरी तो ये मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, बस अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे, हमने भी गलती की है, अपने माँ बाप का दिल बहुत दुखाया है, जाने अनजाने में हमसे भी जो भी गलती हुई है तो ऊपर वाला माफ़ करे हमें, लेकिन कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, अगर उनके दिल से जो बदबू निकल गया ना ज़िंदगी भर तुम बर्बाद ही रहोगे, आबाद नहीं हो सकते। और सबसे मेन चीज़, अगर लड़ाई लड़ाई झगड़े करते करना है ना तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी मत करो, लड़ाई झगड़े करो ही मत, अगर आप अगर मान लो जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है, मुझसे किसी मतलब किसी बंदे को किसी बंदे ने मेरे धक्का मार दिया हो, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि धक्का मार दे ओए देख के चल ले, दिखने रहा अंधा है, दुनिया भर की गाली वाली बकते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को ऐसा हैंडल करें कि जो धक्का मारा है ना, जिस बंदे ने धक्का मारा है सॉरी आप बोल दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, उसकी नज़र में इज्जत भरेगी, यार पता गलती मेरी थी तब भी वो सॉरी बोल रहा है, बस मैं चाहता हूँ हर इंसान में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, चाहे वो किसी भी जाति वाति का हो आई डोंट केयर, लेकिन हर इंसान में मोहब्बत होनी चाहिए, और हमारा देश इसलिए आगे है कि हमारे देश में मोहब्बत बहुत करते हैं एक दूसरे से लोग, और मैं चाहता हूँ सभी लोग आपस में ऐसे रहें मिलजुल करके, बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे जैसे हम एक दूसरे के लिए रह नहीं सकते,
बहुत मोहब्बत से रहें, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बस यही चीज़ है। तो आज की वीडियो मेरी इतनी थी, थैंक यू वॉचिंग। ठीक है, आज की वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मदीना मस्जिद नबी, बाय बाय।